ब्लड बैंक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा ब्लड मॉनिटर है, उसके बाद ये ब्लड का वेट करने के लिए वेट मशीन है, उसके बाद हमारा ब्लड से प्लाज्मा अलग करने के लिए ये कौन सी मशीन है, प्लाज्मा वाली मशीन है, उसके बाद हमारे पास ये एक सीलर की आवश्यकता होती है जो बैग को ब्लड बैग को क्या करता है, सील करता है। उसके बाद हमारा अगला जो है CBC एनालाइजर, पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए हमारे पास क्या रहता है ब्लड बैंक में CBC एनालाइजर भी अवेलेबल रहता है, इसमें हम पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। उसके बाद ये वाली जो हमारी मशीन है ये कौन सी मशीन है, इसमें हम ब्लड से प्लाज्मा प्लेटलेट को अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूजर मशीन है। उसके बाद ये वाली जो मशीन है इसमें क्या करेंगे, हम प्लेटलेट को रोटेट करेंगे, और ये देखिए ये जो मशीन है हमारी इसमें क्या करेंगे, प्लाज्मा को स्टोर करेंगे, -डिग्री में इसमें क्या रहेगा, प्लाज्मा स्टोर रहेगा। ये देखिए हमने प्लाज्मा इसमें रखा हुआ भी है। उसके बाद ब्लड बैग को, पेशेंट का ब्लड निकाल के ब्लड को कहाँ रखते हैं वो वाली मशीन दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारी मशीन है, इसमें हमारे सभी प्रकार के ब्लड हैं, देखिए ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, सभी ब्लड क्या रहेगा इसमें स्टोर रहेगा। स्टोर करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, फ्रीजर है ये, इसमें हम सारे प्रकार के ब्लड क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पेशेंट का BP नापने के लिए BP इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ये देखिए हमारा क्या है, BP इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम पेशेंट का BP चेक करेंगे। और ये देखिए हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए हीमोमीटर भी है, हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन वाला मीटर भी है। उसके बाद ब्लड बैंक की माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमारे पास माइक्रोस्कोपी भी है। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करने वाली मशीन है। और ये देखिए एक और फ्रीज है, इसमें क्या करेंगे, सभी प्रकार के हमने क्या टेस्ट के कार्ड रखे हैं, ये देखिए मलेरिया, HIV, SCV, सिफिलिस और VDRL हमने क्या कर रखा है इसमें स्टोर कर रखा है। और डोनर बेडशीट की भी हमें क्या है ब्लड बैंक में आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे पास 3 डोनर बेडशीट है। और उसके बाद देखिए ब्लड बैग को सील करने के लिए एक और हमारे पास सीलर है, उसके बाद ये हमारा सीजर और ब्लड को निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, और ये हमारा सेंट्रीफ्यूजर है, ये देखिए सेंट्रीफ्यूज, इसमें हम पेशेंट के ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो आ जाता है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, ये देखिए ये डब्बा है येलो कलर का और रेड कलर का और ब्लू कलर का, ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए डब्बे हैं।